टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के MD बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि हम हमेशा कानूनों का पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी भ्रमित है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, वे अपने उम्मीदवार बदलते रहते हैं, ये हार की आशंका के चलते हैं। EVM वोटों की VVPAT पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं और आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट आज निर्देश जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश के मंत्री और मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर हम हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जीतेंगे, ये भाजपा जो मस्ते उठा रहे हैं वह जनता सुन सुनकर थक चुकी है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज आज तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, आज दोपहर में मुलाकात होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में शामिल होंगे, वो काशी में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा शाह आज केरल और महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार करेंगे। आज शाम दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान होंगे। राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, भूपेश बघेल समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें आज शाम 6 बजे से 48 घंटों की अवधि के लिए बंद रहेगी, अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के समुद्र तटीय दक्षिण कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान के लिए नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं राज्य सशस्त्र बल की विशेष तैनाती करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनावी मैदान में कुल 258 उम्मीदवार हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस देने की आखिरी तारीख सोमवार 22 अप्रैल थी। भारत निर्वाचन आयोग ACI ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को धमकी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नई दिल्ली में संसद भवन के पास महादेव रोड पर अचानक देर रात लगभग 1:45 बजे एक स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। स्विफ्ट डिजायर के बगल में 2 गाड़ियों और खड़ी थी, उनमें भी आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को दावा किया कि BJP के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग हर जगह से आश्वस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हार में वे लोग बौखला चुके हैं, एक तरफ माहौल है, पूरा सीमांचल हम जीतने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार की पत्नी को बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस ने MSME बैंक घोटाले मामले में सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट दे दी है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। छत्रपति संभाजीनगर में इस साल त्रिकोणीय मुकाबला है। शिवसेना ने संदीपान राव भूमरे, उद्धव गुट ने चंद्रकांत खैरे और AIMIM ने इम्तियाज जलील को टिकट दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि यह मेरा अपमान नहीं है, यह सभी किसानों के बेटों का अपमान है, यह गरीबों की माताओं और बहनों का अपमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की पुणे और उस्मानाबाद सीट पर पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उस्मानाबाद में 7 मई को और पुणे में 13 मई को वोटिंग होगी। भारतीय शेयर बाजार की आज दमदार शुरुआत हुई है और बैंक निफ्टी ने ओपनिंग में 48,100 के पास कारोबार दिखाकर बाजार को सपोर्ट दिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर आ गया है और इसमें कल से दिखी तेजी लगातार जारी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।